राइट। हम आज कुछ और एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन किए हैं वो भी लेते हैं, कुछ और भी डिस्कस करते हैं, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम जो लीनियर इक्वेशन जो मेरे पास में फ्रेम हो सकती है और हम उसको फ्रेमिंग करके हम उस सिचुएशन को या इक्वेशन को बना लेते हैं, एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज व्हाट द वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स है ना। कुछ क्वेश्चन का हमने कल डिस्कशन किया था, आज भी कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। देन आई विल प्रोवाइड यू अ पीडीएफ जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे, आराम से क्वेश्चंस नोट कीजिएगा, उनके सॉल्यूशंस कीजिएगा और सेंड मी द योर वर्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर सो दैट इन दीस टू डेज आई कैन चेक राइट। सो संडे इवनिंग का वेट मत करना, जैसे जैसे आपका काम होता है आप मुझे सेंड करते जाइएगा पीडीएफ, आई विल चेक योर कॉपी ओके राइट। चलो मैं बात कर रहा था आपसे कीवर्ड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, आज का एग्जांपल पहला एग्जांपल लेते हैं। चलो If you are able to write it simultaneously along the class, you are welcome to do so. If you are unable to do it, wait for the PDF. I will send you the PDF. Do it afterwards. बात समझना जरूरी है, लिखना इतना जरूरी नहीं है इस समय, आपको बात समझ में आनी चाहिए ठीक है बेटा। चलो द क्वेश्चन से सपोज द सम ऑफ द एजेस ऑफ two friends is 20 years. Write a linear equation in two variables for this statement. The sum of the ages of two friends is 20 years. Frame a linear equation in two variables to represent this situation or this problem. बहुत सिंपल सी बात है, हमने कल छुप छुपे बात की थी अंडर रिवाइजिंग देम। द वेरी फर्स्ट थिंग इज वी विल टेक द हेल्प ऑफ टू वेरिएबल्स एज अ क्वेश्चन सेज टेक फ्रेम अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। अदरवाइज हमने ए प्लस ए किया था कि लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, द एज ऑफ थर्ड फ्रेंड बी 20 माइनस एक्स। याद है आपको बेटा, ये आपने वन वेरिएबल में करा था। लेट द एज ऑफ अ फ्रेंड बी एक्स, then the age of other friend will be 20 minus x. ये तो फ्री होगी वन वेरिएबल में। अब इससे भी इजी कर दिया गया हमें अपने सिस्टम और वो कह रहा है फ्रेम अ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में फ्रेम करो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे x और y को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, क्या माना अपन ने x और y को वो डिफाइन करते हैं राइट। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो भी ध्यान रखिएगा, x और y को हम डिफाइन किए बिना इक्वेशन लिखते हैं तो हमारे मार्क्स कटने चाहिए, कटते हैं। टीचर को अपने मार्क्स कम करने चाहिए, रिड्यूस करने चाहिए ठीक है। चलो व्हाट इज x, लेट व्हाट इज x इज बी द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला फ्रेंड है उसकी एज है मान लेते हैं x। y इज द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, मान लेते हैं जो सेकेंड फ्रेंड है उसकी एज है y। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज x प्लस y इक्वल्स टू 20 इज द इक्वेशन। बात को समझिएगा, क्या करते हैं सबसे पहले x को डिफाइन करते हैं व्हाट इज x, देन द अदर वेरिएबल इज y, तो y को डिफाइन करते हैं व्हाट इज y, फिर उसकी इक्वेशन बनाते हैं। सीधा इक्वेशन नहीं बताते क्योंकि हमें x और y पहले डिफाइन करने होते हैं, व्हाट आर द वेरिएबल्स हियर, गॉट माय पॉइंट है ना, यही बात हो रही थी कल परसों भी। चलो ठीक है, अब आपको अगर आप इफ यू आर अबाउट द एनसीईआरटी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे थोड़े से हायर लेवल के, थोड़ा सा हायर एंड पे। जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे, सिंपल लेट्स रिज्यूम द टॉपिक। यस आई वाज टेलिंग द इन द क्वेश्चन और यू मे हैव डन दिस क्वेश्चन इन योर केमिस्ट्री पार्ट आल्सो, दैट फारेनहाइट and Celsius are related to each other and the relation between Fahrenheit and Celsius temperature is just F is equals to 9 upon 5C plus 32 is given in the NCERT, is given in the question. He says in some of the countries the temperature is measured in Fahrenheit, in some of the countries it is measured in Celsius, like in India we measure in both. When we talk about the atmosphere, we talk about the climate, we talk about the weather, we say that today is a hot day in Bikaner because the temperature is 48 degrees. So we say 48 degrees Celsius.
which we used to calculate in Celsius, no? Celsius temperature या thermometer हम use करते हैं और हम कहते हैं कि आज 48 degree temperature है यार, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत है ना, ऐसे सर्दियों की बात होती है तो हम कहते हैं यार -2 हो गया, 0 degree हो गया, 1 degree हाँ temperature बहुत ठंड थी यार बीकानेर में, इसका मतलब हम सेल्सियस में नापते हैं इसको, जो वेदर की कैलकुलेशन होती है उसको. ऑन द अदर हैंड साइमल्टेनियसली वी यूज्ड टू से दैट yesterday night I was very much was in fever and my temperature was 102, 100. What do you mean by 100? Is it Celsius? नहीं ना, 100 degree Celsius तो वो होता है जब पानी boil होना शुरू हो जाता है. तो जब हम कहते हैं कि मेरा temperature, मेरा fever जो है वो 104 था मुझे रात को या 102 पहुंच चुका था, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो 104 डिग्री फारेनहाइट हो चुका था. ये तो मतलब है ना. तो हम इंडिया की बात करें तो हम दोनों थर्मामीटर्स यूज करते हैं, टेम्परेचर के सिस्टम यूज करते हैं, थर्मामीटर यानी कि टेम्परेचर सेल्सियस में भी और फारेनहाइट में भी करते हैं, राइट. चलिए मान लेते हैं आपने को किसी अमेरिकन फ्रेंड को बताना है कि हाउ हॉट वॉज बीकानेर टुडे सपोज, और वो कहता है हमने कहा, हमने कैलकुलेट किया आज बीकानेर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था, मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस था, हाउ मच फारेनहाइट, क्योंकि अमेरिकन जो है उनको समझ में नहीं आएगा कितने डिग्री फारेनहाइट था वो, फारेनहाइट सॉरी सेल्सियस था वो, फारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर करते हैं, ठीक है. सो अगर वो इसमें मेजर करते हैं अपने पास में फारेनहाइट में, तो हमें किसी अमेरिकन फ्रेंड को बताना हो कि हमारे यहाँ पे कितनी गर्मी थी आज 45 डिग्री सेल्सियस था, तो हमें फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, एक है फारेनहाइट, एक है सेल्सियस, एक है एक्स, एक है वाई. मान लीजिए एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो अपन क्या करेंगे, अगर हमें एक्स की वैल्यू मालूम होती है तो हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम वाई की वैल्यू को हमें बता दिया जाए तो हम एक्स की वैल्यू भी तो बता सकते हैं. इसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, yes, it is an equation with degree 1 and having two variables, one is Fahrenheit and another one is Celsius. So problem kya hai, hamare yahan pe 45 degree Celsius temperature hai aur hame apne American friend ko batana hai ki how hot is the Bikaner. So Fahrenheit is equal to 9 upon 5 into 45 plus 32. Check kijiye, hum sabko ye calculation aaram se aati hogi, right? Board marks lagayenge na. 9, 5, 9 and 45, 81 plus 32, that means 113 degree Fahrenheit. Check कीजिए, सही है. So अब देखें, एक अमेरिकन फ्रेंड को अगर अपने को बताना हो कि हाउ हॉट बीकानेर टुडे इज, वी टू एन इंडियन वी विल से यस इट्स 45 डिग्री, इट्स टू हॉट. बट फॉर एन अमेरिकन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फारेनहाइट, और उसको जब बताएंगे कि 113 डिग्री फारेनहाइट है तो उसको समझ में आएगा कितनी गर्मी है. आप कभी डिस्कवरी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखिए, डब होते हैं हिंदी में, लेकिन जब वो कहता है कि आज मैं कैलिफोर्निया के डेजर्ट्स में हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर टेक्सास के डेजर्ट्स में हूँ और आज यहाँ टेम्परेचर इतने फारेनहाइट है या इतने डिग्री है, तो डिग्री करके फारेनहाइट ही बोलता वो. तो हम एक बार तो शायद बोल सकते हैं इस प्रॉब्लम में या इस चीज में फंस जाए कि अरे बाप रे इतना टेम्परेचर, लेकिन जब आप उससे कन्वर्ट करेंगे ना तो मुश्किल से 40 या 45 डिग्री सेल्सियस होता है और उसमें उनके पसीने आ जाते हैं, है ना. चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करते हैं. मान लेते हैं जैसे अपन को मालूम है दैट वाटर स्टार्ट फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस में कन्वर्ट होना शुरू होता है ना पानी कब, 0 डिग्री सेल्सियस पे. मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है तो कितने फारेनहाइट होगा, बिना विदाउट पेन पेपर आंसर बताइए इसका मुझे. हाँ जी बेटा, टेम्परेचर मालूम हो तो हम उसको फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं आराम से. दूसरी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए हमारे किसी फ्रेंड ने या किसी कैलकुलेशन करते हुए, साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हुए हमें 95 डिग्री फारेनहाइट दिया हुआ और पूछा जाए हमें कि बताइए कितने डिग्री सेल्सियस होता है फारेनहाइट में 95 डिग्री को, तो बताएं कितने डिग्री सेल्सियस होता है. तो क्या हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. नाउ यू कैन रेज टॉकिंग अबाउट द हाउ टू टेक आउट द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल यूजिंग द अदर वेरिएबल, दैट मींस अगर हमें एक्स की वैल्यू मालूम है तो हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं,
सी की वैल्यू दी हुई है तो एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑफ कोर्स हम दोनों तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं क्योंकि ये एक रिलेशन है, मैथ में ये रिलेशन होते हैं जो इक्वेशन होता है उसी को रिलेशन कहते हैं। सो एक रिलेशन है जिसमें एक्स की वैल्यू मालूम है या वाई की वैल्यू मालूम है तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। चलिए अब उसने थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछा, उसने कहा इज देयर एनी टेम्परेचर वेयर सेल्सियस एंड फारेनहाइट हैव सीन, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर हो सकता है जिसमें सेल्सियस फारेनहाइट दोनों सेम टेम्परेचर को इंडिकेट करते हो। तो हमने कहा चलो देखते हैं कोई ऐसा टेम्परेचर मान लेते हैं एक्स हो, फारेनहाइट में एक्स और डिग्री सेल्सियस में एक्स, दोनों ही एक्स एक्स हो जाए या दोनों ही वाई वाई हो जाए, यानी कि दोनों ही एक्स एक्स हो जाए या दोनों ही सी सी हो जाए, ऐसा कोई टेम्परेचर उसमें दोनों के दोनों जो है वो आपस में इक्वल हो जाए, कोई ऐसा टेम्परेचर जो फारेनहाइट सेल्सियस दोनों रिगार्डलेस ऑफ फारेनहाइट सेल्सियस टेम्परेचर और थर्मामीटर टेम्परेचर इज सेम, दोनों के लिए एक ही चीज हो, दोनों की एक ही सेम रीडिंग हो। तो हमने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं ये है ना। मैं जो विख्यात के क्वेश्चन जब वो सॉल्व कर रहा था तो पिछले क्वेश्चन में जैसे विख्यात क्वेश्चन था रहा था यहाँ चले गए उसको एड्रेस कर रहा था लेकिन सबको समझा रहा था, मैं सिर्फ पूछा रहा हूँ इस फाइव को कई स्टूडेंट यहाँ पे 5x = 9x + 32 लिख लेते हैं जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये ट्रांसक्रिप्शन मत करिएगा, मुझे बहुत बार आंसर शीट चेक करते हुए ट्रांसक्रिप्शन मिलती है, ये कैलकुलेशन मत करिएगा, ये कैलकुलेशन गलत है। क्यों? बिकॉज 5 इज नॉट द डिनोमिनेटर ऑफ द होल राइट हैंड साइड, इट इज नॉट द डिनोमिनेटर ऑफ द होल। अगर ये इस तरह से होता 9x अगर होता 9x + 32/5 = x होता तो हम इस 5 को इधर ट्रांसपोज कर सकते थे, लेकिन इस केस में ये 5 यहाँ पे नहीं जाएगा। या तो आप पहले लीजिए एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लीजिए 5 विद राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर को फिर मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो ऐसे तो ट्रांसमिशन नहीं करिए, है ना। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक द वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट्स ऑन अनदर साइड ऑफ द इक्वेशन, सो वी विल टेक 9x/5 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आई एम डूइंग सो वी कैन टेक दिस 5 बट वी कैन टेक दिस 5 ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन ओनली व्हेन, रिमेंबर इट, ओनली व्हेन 5 इज द डिनोमिनेटर ऑफ द होल इक्वेशन। सो या तो यहां पे एलसीएम लीजिए 32 और 5 के साथ में मतलब इसका, या फिर ऐसे ट्रांसलेशन कीजिए, है ना। सो इट इज 5x - 9x / 5 = 32 - 4x / 5 = 32 x = 32 × 5/-4 याद रखिए ये मल्टीप्लाई में है -5/4 कल भी बात हो रही थी अपनी, ये उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज नहीं होगा लेकिन जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये -4/5 तक उस तरफ जाएगा ट्रांसपोज होकर के इक्वेशन की अदर साइड ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, इट विल बी 5/-4 सो 4 × 8 = 32 इट विल बी -40 सो व्हेन यू से इट इज -40°C and whenever we say it's -40°F, it is one and the same thing. एक ऐसा टेम्परेचर जब हम कहें सेल्सियस में अलग होता है फारेनहाइट में अलग होता है, या यूं कह लीजिए एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें ना फारेनहाइट मायने रखता है ना सेल्सियस मायने रखता है वो है -40°C कह लीजिए या -40°F कह लीजिए, दोनों एक ही है। ये थर्मामीटर में दोनों सेम टेम्परेचर दिखाएंगे कब, जब ये -40° होगा, तो -40°C और फारेनहाइट टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जब सेल्सियस और फारेनहाइट सेम हो जाते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बेसिकली ये तो सीखा अपने कि किस तरह से एक वेरिएबल की हेल्प से हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, या हम इसके जो सेट ऑफ सॉल्यूशंस है वो निकाल सकते हैं, है ना। चलिए तो एक ऐसे ही एक और थर्मामीटर होता है वो होता है कैल्विन, आपने जरूर पढ़ा होगा मेटलर्जी में केमिस्ट्री में कि the iron is extracted and it is extracted from the ore, its ore at this degree Kelvin. जो metallurgy पढ़ते हैं जो chemistry पढ़ते हैं आपने शायद पढ़ा होगा Kelvin temperature thermometer, वो use होता है वहां पे जहां पे हम बात करते हैं कि जो metal है वो इतने temperature पे melt होना शुरू हो जाते हैं, जो glass है वो इतने temperature पे melt होना शुरू हो जाता है, है ना। तो कैल्विन में नापते हैं उसको मेजर करते हैं और देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कैल्विन एंड फारेनहाइट आल्सो, राइट। फारेनहाइट इज 9/5
Instead of C, we can write this is A minus 273 plus 32. Chali, aisa. Again, it will be provided by the questioner itself, the examiner itself. Right? जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना वो आपको खुद को आपको बताएगा. जैसे ये क्वेश्चन है वापस से तो पीडीएफ आई विल सेंड यू आफ्टरवर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन ही सेज दैट द रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट एंड केल्विन इज दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. द रिलेशन बिटवीन फारेनहाइट एंड केल्विन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन. ही सेज कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Fahrenheit if it is 313 degree Kelvin. If it is 313 degree Kelvin, then what is the corresponding value in Fahrenheit? Yes, someone who can help me. Suppose 158 degrees Fahrenheit, then how much is that in Kelvin? 158 degree Fahrenheit ko to Kelvin mein kitna temperature hota hai? Yes, the temperature is 158 degrees Fahrenheit. So 158 degrees Fahrenheit is 9/5. With a bracket, Kelvin should be written as K or X, the variable which is not known to us, and simply the equation itself. No? Can I take 5 on the other side of the equation? Not exactly, not now. Before taking the LCM of the right hand side, I cannot take this 5 on the other side of the equation. So I will take 32 on the other side of the equation, right? So 158 minus 32 is equal to 9/5, and with a bracket it will be K, 1K minus 273, right? 126 is equal to 9/5, and with a bracket 273, is it correct, sir? The 6, yes, right? So now 5/9 can be taken on the other side of the equation. So 126 into 5/9 is equal to K minus 273. I hope you are getting it. Simple translation. 5 will be taken on the numerator and the 9 will be taken on the denominator. Multiply or divide kar sakte hain. Jo translation hota hai wahi hai yahan pe. Theek hai. Chaliye agar ise hum divide kar sakte hain to 9, 1 and 9 and 9 36. So 5, 4 are 20, 0 70 is equal to K minus 273. So K is equals to, is this 343? Just check how many of you have on Saturday and Sunday. You are having, I will provide you the PDF of the previous work also. छोटा छोटा काम है, आराम से करेगा. एनसीईआरटी एक बार रिवाइज करेगा, देखेगा एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ. शायद एक टैक्सी फेयर वाला मैं डिस्कस करना चाहता था, साथ में वो नहीं कर पा रहा हूँ. सो ऑन मंडे वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस, एंड ऑफ कोर्स योर वर्क शुड बी अप टू द मार्क, शुड बी कंप्लीटेड. एंड एज सून एज यू कंप्लीट योर होमवर्क, सेंड द पीडीएफ टू मी, आई विल चेक इट. ओके, राइट, टेक केयर.